हेलो एवरीवन, दिस इज मनोज एंड आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स की। सो गाइस, केमिकल काइनेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले आपको समझना पड़ेगा डायनेमिक्स के बारे में। तो चलिए चलते हैं और बात करते हैं डायनेमिक्स की। सो गाइस, डायनेमिक्स, सो पूरे फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं तो हमारा जो डायनेमिक्स होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें फर्स्ट वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स में थर्मो का मींस होता है हीट एंड डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। तो जब भी हीट का मोशन होगा, समझ जाना आप वहां पे किसकी स्टडी कर रहे होंगे, आप वहां पे स्टडी कर रहे होंगे थर्मोडायनेमिक्स की। सो हीट का मोशन इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। और अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करता हूं तो थर्मोडायनेमिक्स जिस चीज पे काम करता है उसे हम लोग कहते हैं हाउ मच। थर्मोडायनेमिक्स काम करता है हाउ मच में। हाउ मच का मतलब यहां पे क्या है कि हाउ मच ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। सो ये किसके अंदर आता है, ये आता है थर्मोडायनेमिक्स में। सो डायनेमिक्स की अगर मैं बात करूं तो डायनेमिक्स में पूरी डायनेमिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है वो है थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें थर्मो का मीन्स होता है हीट एंड डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। सो जब भी हीट का मोशन होगा वी कॉल्ड इट थर्मोडायनेमिक्स। एंड थर्मोडायनेमिक्स हमेशा काम करता है हाउ मच में। सो हाउ मच का मतलब यहां पे क्या है, हाउ मच ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। सो कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा वो हमेशा किसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। वहीं पर अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो डायनेमिक्स का जो सेकंड पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स, जो आज का हमारा चैप्टर है। सो केमिकल काइनेटिक्स सेकंड पार्ट होता है डायनेमिक्स का। और केमिकल काइनेटिक्स जो होता है वो किस चीज पे काम करता है, वो काम करता है हाउ फास्ट और हाउ स्लो पे। सो गाइस, हाउ फास्ट और हाउ स्लो का मतलब, फास्ट और स्लो का मतलब यहां पे क्या है कि हाउ फास्ट द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट और हाउ स्लो द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ये किसके अंदर आएगा, ये आएगा केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। सो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि डायनेमिक्स जो होता है वो पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में दो पार्ट में डिवाइड होता है। द फर्स्ट वन इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स एंड द सेकंड वन इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। थर्मोडायनेमिक्स काम करता है हाउ मच में, हाउ मच ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। एंड आपका जो केमिकल काइनेटिक्स होता है वो काम करता है हाउ फास्ट द रिएक्शन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट और हाउ स्लो द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। चलिए आगे चलते हैं। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक निकल के आता है केमिकल काइनेटिक्स में, उसे हम लोग कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, उसे हम लोग कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, जिसे हम शॉर्टकट में ROR भी लिखते हैं। तो ROR, दिस इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। तो गाइस, सपोज मानिए हमारे पास रिएक्टेंट है, हमने उस रिएक्टेंट को किसमें कन्वर्ट किया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। तो जब हमने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया तो सपोज मानिए जब टाइम जीरो था, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी 10 मोलारिटी, ये किसकी कंसंट्रेशन थी, रिएक्टेंट की। तो जब टाइम जीरो हुआ होगा प्रोडक्ट तो बना नहीं होगा, प्रोडक्ट यहां पे क्या रहा होगा, जीरो कंसंट्रेशन पे रहा होगा। फिर मैंने कहा जैसे जैसे टाइम बीता, जब टाइम हमारा क्या हुआ, T1 हुआ, सो प्रोडक्ट जो हुआ उसकी कंसंट्रेशन 2 मोलारिटी हो गई, तो रिएक्टेंट हमारे पास कितना बचा होगा, 1 मोलारिटी बचा होगा। फिर मैंने कहा कि जब टाइम चलता गया और जब टाइम इज इक्वल टू T2 हो गया, तो मैंने कहा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सपोज मानिए 4 मोलारिटी हो गई और वहीं पे रिएक्टेंट कितना बचा होगा हमारे पास, 6 बचा होगा। सो अगर आप इस टेबल को ढंग से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे टाइम के साथ हम लोग जा रहे हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ती है, वहीं पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है, घटती है। सो दिस इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। सो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करता हूं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं बोल रहा हूं अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करता हूं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, मैं लिखूंगा कि रिएक्टेंट जो होता है वो टाइम के साथ घटता है, वहीं पे प्रोडक्ट जो होता है वो टाइम के साथ बढ़ता है। तो रिएक्टेंट की बात हम कैसे लिखेंगे, डिक्रीज इन चेंज ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ टाइम इंटरवल, विथ टाइम इंटरवल। सो रिएक्टेंट जो होता है उसकी कंसंट्रेशन घटती है टाइम के साथ, दैट्स व्हाई जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे रिएक्टेंट का, सो आप क्या लिखोगे, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम इंटरवल, या फिर आप यहां पे एक और चीज लिख सकते हो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम इंटरवल। वहीं पे अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं प्रोडक्ट की टर्म में, तो आपको पता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा बढ़ती है, सो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन, अगर मुझे प्रोडक्ट की टर्म में लिखना है तो मैं लिखूंगा इंक्रीज, इंक्रीज और चेंज, क्या लिखेंगे, चेंज और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट नहीं प्रोडक्ट, विथ टाइम इंटरवल, विथ टाइम इंटरवल। सो गाइस, अगर आप इस
पॉइंट को समझ लेंगे तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपने देखा कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। सो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट तो हम लिखेंगे चेंज और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम इंटरवल, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है घटती है। वहीं पर अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट तो मैं लिखूंगा चेंज और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम इंटरवल। आई होप आपने बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए एक चीज और देखते हैं। सपोज मानिए मेरे पास आर कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, और मैंने उससे बनाया प्रोडक्ट, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से देखते हैं कि सपोज मानिए ए कोई रिएक्टेंट है और उससे मैंने क्या बना दिया, बी बना दिया। सो अगर मैं ए और बी की बात करूं तो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो ए है वो क्या है रिएक्टेंट है एंड जो बी है वो यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट है। सो अगर मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं लिख रहा हूं ए का जो रिएक्टेंट है तो कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे डेल ए जिसे कहते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद टाइम इंटरवल, चेंज विद टाइम इंटरवल, और इसे नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है। वहीं पे अगर मैं प्रोडक्ट के लिए लिखूंगा प्रोडक्ट के लिए तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा डेल बी अपॉन डेल टी, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम इंटरवल, और इसे रिप्रेजेंट करूंगा प्लस से। प्लस का मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है और माइनस का मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है। तो जिसकी कंसंट्रेशन घटेगी किसकी घट रही है यहां पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है तो इसे हम लोग यहां पे क्या कहेंगे रेट ऑफ दिस अपेरेंस, रेट ऑफ दिस अपेरेंस इसे कहा जाएगा। सो गाइस जिसकी कंसंट्रेशन घटती है किसकी घटती है रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर घट रही है तो आप उसका हमेशा क्या निकालेंगे रेट ऑफ दिस अपेरेंस निकालेंगे, और जिसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी आप उसका क्या निकालेंगे, आप उसका निकालेंगे रेट ऑफ अपेरेंस, रेट ऑफ अपेरेंस जो बनना स्टार्ट हो गया है। सो गाइस ये है कुछ बेसिक चीजें जो हमने केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमने देखी। तो क्या क्या देखा, हमने देखा कि जो डायनेमिक्स होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स जो काम करता है हाउ मच में, सो हाउ मच ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। वहीं पे जो उसका सेकंड पार्ट है वो है केमिकल काइनेटिक्स जो काम करता है हाउ फास्ट और हाउ स्लो पे, मतलब हाउ फास्ट द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट और हाउ स्लो द रिएक्शन रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। फिर हमने कहा कि इसमें जो फर्स्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वी कॉल्ड इट रेट ऑफ रिएक्शन। सो मेरे पास आर कोई रिएक्टेंट है और मैंने उससे बनाया प्रोडक्ट, तो जब टाइम जीरो था रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 10 थी तो जीरो टाइम पे प्रोडक्ट तो बना नहीं होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या रही होगी जीरो। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया जब टाइम T1 हुआ तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 2 हो गई तो रिएक्टेंट कितना बचा होगा 8 बचा होगा। वहीं पे जब टाइम आपका T2 हो गया तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 4 हो गई तो रिएक्टेंट कितना बचा 6। सो आप देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम बीत रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है घटती है और वहीं पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है बढ़ने लग जाती है। सो वहीं पे अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट तो मैं क्या लिखूंगा चेंज और डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम इंटरवल। वहीं पे अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूं प्रोडक्ट की टर्म में तो मैं लिखूंगा चेंज और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम इंटरवल। जैसे क्वेश्चन लेते हैं सपोज मानिए मेरे पास ए रिएक्टेंट है और बी यहां पे क्या प्रोडक्ट है, तो अगर मैं इनका रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा डेल ए जिसे चेंज कहा जाता है अपॉन डेल टी, लेकिन नेगेटिव लगा देंगे क्योंकि रिएक्टेंट घटता है, तो घटना मतलब रिएक्टेंट और रिएक्टेंट का हमेशा क्या निकालेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। वहीं पर अगर मैं प्रोडक्ट का लिखूंगा तो मैं डेल बी अपॉन डेल टी लिखूंगा, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम। प्लस में क्यों लिखा, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ती है और जिसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी उसे हम लोग क्या लिखेंगे उसका क्या निकालेंगे रेट ऑफ अपेरेंस। सो इसको ऐसे याद रख लीजिए रिएक्टेंट हमेशा घटता है तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, प्रोडक्ट हमेशा बढ़ता है तो रेट ऑफ अपेरेंस आप इसका निकालेंगे। सो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। सो गाइस अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का टाइम के साथ, सो कैसे ग्राफ बनेगा यहां पे चलिए देखते हैं। आपको पता है कि जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की वो हमेशा क्या होती है घटती है। तो सपोज मानिए मेरे पास ए कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, और उससे मैंने क्या बनाया बी प्रोडक्ट बनाया, तो ये है हमारे पास रिएक्टेंट। लेफ्ट साइड वाले हमेशा रिएक्टेंट होते हैं और राइट साइड वाले हमेशा क्या होते हैं प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट घटता है इसलिए उसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाला जाता है, प्रोडक्ट हमेशा बढ़ता है इसलिए उसका रेट ऑफ अपीयरेंस निकालते हैं। सो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि हम यहां पे ग्राफ प्लॉट करेंगे और वो ग्राफ किस किसके बीच में होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम के साथ। सो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम के साथ, तो रिएक्टेंट यहां पे क्या है रिएक्टेंट यहां पे ए है और ग्राफ किस किसके बीच में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच का ग्राफ है।
सो आपको पता है रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो टाइम के साथ क्या होती है, घटती है। तो ग्राफ कैसे जाएगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। ग्राफ कैसे जाएगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। सो सपोज मानिए एट पॉइंट, यहां पे इस पॉइंट पर मैं चेक करता हूं तो इसकी कंसंट्रेशन यहां पे क्या है, यहां पे इसकी कंसंट्रेशन है ए1 और यहां पे टाइम हमारे पास क्या है टी1 है भाई। के किसी इंस्टेंट पे मैं दूसरा चेक करता हूं तो आपको पता चलेगा कि यहां पे इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, घट गई। देखिए ए2 कंसंट्रेशन हो गई और यहां पे टाइम क्या हो गया टी2। सो अगर मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं इसका निकालता हूं, ठीक है, क्या बोला, अगर मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालता हूं तो क्या होना चाहिए फॉर्मूला, फॉर्मूला होगा चेंज और डिक्रीज, चेंज और डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ, इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में क्या आ जाएगा टाइम इंटरवल, अपॉन में क्या आएगा टाइम इंटरवल। सो यहां पे क्या बोला, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो चेंज कितने का आ रहा है, देखिए चेंज यहां पे क्या आ रहा है, चेंज फाइनल माइनस इनिशियल। सो ये रहा हमारा फाइनल, माइनस क्या करेंगे हम लोग इनिशियल, और आपको पता है नीचे क्या आ जाएगा टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल क्या है टी टू माइनस टी वन, तो ये हो गया आपका चेंज इन टाइम। और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, नेगेटिव से। नेगेटिव से रिप्रेजेंट क्यों किया, नेगेटिव से रिप्रेजेंट इसलिए किया क्योंकि रिएक्टिव की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होती है घटती है। अब गाइस ये क्या निकल गया, ये निकल गया रेट ऑफ रिएक्शन किसकी टर्म्स का, रिएक्टेंट की टर्म्स का, ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब सपोज मानिए अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इंटरवल के बाद, क्या बोला मैंने, मैंने कहा अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर रहे हो, मेजर कर रहे हो ओवर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल, ओवर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल, अगर एक लंबे समय के बाद आप रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर रहे हो, सो उसको हम लोग कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जो क्या बन जाएगा, जो बन जाएगा माइनस का डेल ए अपॉन में डेल टी। सो ये जो ए टू माइनस ए वन है वो बन गया डेल, और ई टू माइनस ई वन यहां पर क्या बन गया डेल टी बन गया। सो अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं तो वो कहलाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन वहीं पे अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हो एट एन इंस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम, एट एन इंस्टेंट टाइम इंटरवल पे, सो ये यहां पे क्या कहलाएगा, ये यहां पे कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सो गाइस सेकंड पॉइंट यहां पे क्या है कि अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हो एट एन इंस्टेंट टाइम इंटरवल, मतलब थोड़े थोड़े समय के बाद अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर रहे हो तो वो कहलाएगा आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और ये कैसे लिखा जाएगा, ये कैसे लिखा जाएगा रिएक्टेंट का, ये लिखा जाएगा माइनस का डी ए अपॉन डी टी, मतलब डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा जाएगा। डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, बहुत कम समय में या बहुत छोटा, और यहां पर क्या है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर मेरे पास कोई ए रिएक्टेंट है और उससे मैं बना रहा हूं बी प्रोडक्ट, सो अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम के साथ, तो ग्राफ आपको पता है कि डाउनफॉल पे जाएगा क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा घटती है। और जब मैंने इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाला तो कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है। अब वहीं पे अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर रहे हो ओवर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल तो वो कहलाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जो लिखा जाएगा माइनस का डेल ए अपॉन डेल टी। तो यहां पे जो ए टू माइनस ए वन था वो डेल ए बन गया और टी टू माइनस टी वन क्या बन गया डेल टी बन गया। वहीं पे अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हो एट इंस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे तो ये बन जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जिसे आप लिखोगे माइनस का डी ए अपॉन डी टी। सो ये लिखा हम लोगों ने रिएक्टेंट के लिए। चलिए मूव करते हैं और प्रोडक्ट के ग्राफ की बात करते हैं। सो गाइस अगर मैं बात करता हूं ग्राफ की, जो ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ टाइम, विथ टाइम। तो अगर हम ग्राफ की बात करते हैं जिसमें हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का ग्राफ बनाएंगे टाइम के साथ, तो ये ग्राफ कैसा जाएगा, आपको पता है कि टाइम के साथ जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है वो हमेशा क्या होती है बढ़ती है। सो ग्राफ किस तरीके से जाएगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। सो ये रहा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या था बी था, किसके साथ बनेगा ये ग्राफ टाइम के साथ बनेगा, और आपको पता है ये ग्राफ इंक्रीज होगा क्योंकि टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। अब सपोज मानिए एक पॉइंट पे अगर मैं चेक करता हूं, ये मेरा एक पॉइंट है, तो यहां पे जो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है वो बी वन है और टाइम यहां पे क्या हो गया टी वन। फिर मैंने दूसरे पॉइंट पे चेक किया तो आपको दिख रहा है कि यहां पे कंसंट्रेशन बढ़ गई है, तो ये हो गया आपका बी टू और यहां पे क्या हो जाएगा आपका टी टू। सो अगर मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालता हूं प्रोडक्ट का, सो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लोग इसका निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल यहां पे क्या है बी टू माइनस बी वन अपॉन में क्या हो जाएगा टी टू
माइनस टी वन, और यहां पे प्लस का साइन आएगा क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। अब सपोज मानिए कि अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हो, रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हो ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओवर लॉन्ग टाइम इंटरवल, तो ये यहां पे क्या कहलाएगा, ये यहां पे कहलाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहलाएगा? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जिसे आप कैसे लिखोगे, जिसे आप लिखोगे डेल बी अपॉन डेल टी की फॉर्म में लिखोगे और आगे लगाओगे प्लस। वहीं पे अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हो, मेजर करते हो एट एन इंस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम, एट एन इंस्टेंट इंस्टेंट टाइम इंटरवल पे, इंस्टेंट टाइम इंटरवल पे अगर आप उसे मेजर कर रहे हो गाइस, तो यहां पे ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा, जिसे आप कैसे लिखेंगे, जिसे आप सिंपली लिखेंगे प्लस, और ये हो जाएगा तुम्हारा डी बी अपॉन क्या आ जाएगा डी बी। सो गाइस ये था ग्राफ किस किस के बीच का, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम के साथ का, जो हमेशा कैसे करेगा, इंक्रीज करेगा क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। वहीं का अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लॉन्ग टाइम इंटरवल के बाद मेजर करोगे तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो प्लस में लिखा जाएगा डेल बी अपॉन डेल टी, वहीं पे अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर दो एट एन इंस्टेंट, सो ये कहलाएगा डी बी अपॉन डी टी प्लस में। सो आई होप आपको ये प्रोडक्ट का भी समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और बात करते हैं कुछ और चीजों की। सो गाइस बेसिकली अगर मैं देखा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली में है क्या, सो रेट ऑफ रिएक्शन को अगर एक्चुअली में देखा जाए, रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट की टर्म में लिखा जाए, तो हमें एक ही चीज लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ टाइम इंटरवल। सो एक्चुअल में जो डेफिनेशन होनी चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म में, वो होनी चाहिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ टाइम इंटरवल, जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। सो अगर मैं बात करता हूं इसकी यूनिट की, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट की बात की जाए, सो आपको पता है चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। सो यहां पे जो यूनिट बनेगी रेट ऑफ रिएक्शन की, वो क्या बनेगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो ये यूनिट बन जाएगी किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की, अगर टाइम मिनट में हुआ, अगर टाइम मिनट में हुआ तो ये क्या बन जाएगा, मोल पर लीटर पर मिनट इनवर्स। क्लियर है? सो गाइस ये है यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन की। सो हम जानते हैं कि ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद टाइम, जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। सो अगर मैं यूनिट की बात करूं तो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, टाइम अगर सेकंड में तो ये बन जाएगा मोल पर लीटर सेकंड, वहीं पे अगर टाइम मिनट में हुआ तो ये बन जाएगा मोल पर लीटर मिनट। सो गाइस आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। This is Manoj and आज के session में we are talking about rate law expression. So guys, rate law expression basically एक ऐसी expression है जब हम rate of reaction को in terms of concentration of reactant लिखते हैं। So मैंने क्या कहा, मैंने कहा rate law expression एक ऐसी expression है when rate of reaction is expressed In terms of concentration of reactant। तो जब भी आप rate of reaction को in terms of concentration of reactant लिख दोगे, so वो expression यहां पे क्या बन जाएगी, rate law expression बन जाएगी। अब यहां पे एक word आता है कि what is concentration of reactant? So guys, concentration of reactant का मतलब यहां पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब यहां पे है कंसंट्रेशन, मतलब ये कंसंट्रेटेड ब्रैकेट, और इसके अंदर अगर आप किसी रिएक्टेंट को लिख देते हो, तो मैंने क्या बोला यहां पे जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसका मतलब ये है कि जब आप किसी कंसंट्रेटेड ब्रैकेट के अंदर किसी रिएक्टेंट को लिख दोगे तो ये हो जाएगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पे हम क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं, तो वो क्या बन जाता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास वो रिएक्टेंट है ए, और इस रिएक्टेंट को मैंने रिएक्ट कराया बी रिएक्टेंट के साथ, एंड वी गेट सी प्लस डी एज अ प्रोडक्ट। सो ये है हमारे यहां पे प्रोडक्ट, ठीक है, एंड ये जो ए और बी है ये यहां पे हमारे क्या है, रिएक्टेंट है। सो अगर मुझे इस रिएक्शन को किस फॉर्म में लिखना है,
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की फॉर्म में लिखना है तो वो क्या बन जाएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन बन जाएगा। सो कैसे करेंगे, सो गाइस देखो जब भी आप रेट लॉ एक्सप्रेशन को लिखोगे तो ये किसको यहां पे फॉलो करता है, ये यहां पे फॉलो करता है लॉ ऑफ मास एक्शन को, लॉ ऑफ मास एक्शन जो आपने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा होगा 11th में। सो लॉ ऑफ मास एक्शन यहां पे क्या कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन यहां पे ये कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ए। क्या बोला मैंने, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ए, वहीं पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट बी। सो अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूं, वी गेट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी। अगर आप इस प्रोपोर्शन साइन को यहां पे रिमूव करेंगे तो वी नो दैट वी गेट अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता है, के होता है, एंड इट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। सो गाइस अगर आप यहां पे ढंग से देख रहे होंगे तो मैंने यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिख दिया है। सो ये रेट ऑफ रिएक्शन यहां पे क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा, जिसे हम कहेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन, और इक्वल टू हो जाएगा के प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ए एंड एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट बी। सो ये हमारे यहां पे क्या बन जाएगा, ये हमारे यहां पे बन जाएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन। सो अगर मैं इसको थोड़ा डिफाइन करने में आऊं, पहले इस लाइन को अगर मैं डिफाइन करता हूं तो मैं कहूंगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अगर आप देखोगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट यहां पे कौन कौन है, रिएक्टेंट कौन कौन है यहां पे ए एंड बी के। सो गाइस अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि जब हम रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिख देते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब ये है कि जब आप कंसंट्रेशन ब्रैकेट के अंदर रिएक्टेंट लिख दोगे तो वो क्या कहलाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बन क्या जाएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ए और बी कोई रिएक्टेंट है, मैंने उसे रिएक्ट करा के सी और डी को एक प्रोडक्ट बनाया, तो यहां पे जब आप रेट ऑफ रिएक्शन इसका लिखेंगे तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करता है जो आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, और लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ए, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट बी, और दोनों को कंबाइन करूंगा तो आपको यहां पे एक चीज पता चल रहा होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी। जब ये प्रोपोर्शन साइन हम यहां पे हटाएंगे तो वी गेट अ कांस्टेंट जो हमें यहां पे क्या मिलेगा, के मिलेगा। सो अगर आप इस रिएक्शन को ढंग से देखेंगे तो यहां पे मैंने रेट ऑफ रिएक्शन को कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में लिख दिया है तो ये क्या बन जाएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन बन जाएगा, के ऐसे उतर जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। जहां पे आर क्या बन गया, आर हमारा बन जाएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन हमारा ये बन जाएगा, जहां पे वेयर के इज, के बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, यहां पे के को हम लोग कहते हैं रेट कांस्टेंट या फिर हम इसे कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इसे कहा जाता है। तो थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं इसको भी, जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या जाना, हम लोगों ने ये पता किया कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है उसकी जनरल इक्वेशन होती है आर इज इक्वल टू के ए कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। सो अगर सपोज मानिए आपको डिफाइन करने को आ गया कि बताइए व्हाट इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है गाइस, हम कहते हैं कि इफ कंसंट्रेशन ए और कंसंट्रेशन बी, अगर कंसंट्रेशन ए और कंसंट्रेशन बी क्या हो जाए, वन हो जाए, वन मोल पर लीटर हो जाए, वन मोल पर लीटर का मतलब यह है कि अगर ये यूनिटी हो जाए, तो अगर ये दोनों यूनिटी हो जाएंगे तो आपको पता है यहां पे जो आपका के होगा जिसे हम रेट कांस्टेंट कहते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, वो किसके इक्वल आ जाएगा, आर के इक्वल आ जाएगा। सो गाइस अगर हम लोग ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन को वन ले लेते हैं, वन मोल पर लीटर ले लेते हैं, तो हमें यहां पे पता चलेगा कि जो हमारा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा हमारे रेट लॉ एक्सप्रेशन के। और इस इक्वेशन से आपको एक चीज और दिखी होगी कि हमारा जो के होता है जिसे हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं वो किसी भी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो किस पे डिपेंड करता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है, या फिर आप कह सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो यहां पर आप एक और चीज लिख सकते हो कि जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
सो रिएक्टेंट के इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अगर वो दोनों एक हो गए तो एक इसके इक्वल हो जाता है, आर के इक्वल हो जाता है, जिसे रेट लॉ कहा जाता है, या फिर आप इसे रेट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं। सो गाइस लेट अस अज्यूम अ रिएक्शन, मैं एक रिएक्शन को अज्यूम कर रहा हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 2Na, मैंने इसको रिएक्ट कराया क्लोरीन के साथ, एंड वी गेट अ प्रोडक्ट जो हमें मिला यहाँ पे 2NaCl, ठीक है। सपोज मानिए ये जो आपको यहाँ पे कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे स्मॉल a है, और ये जो Na आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो कैपिटल a है। वहीं पे ये जो वन कोफिशिएंट आपको दिखाई दे रहा है ये स्मॉल b है, और Cl यहाँ पे क्या है, कैपिटल b, एंड वी गेट हमें क्या मिला इसके जगह पे, हमें इसके जगह पे मिला प्रोडक्ट, ठीक है। सो अगर मैं इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं तो हमें क्या पता चलेगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ए, जो ये है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ए रेज टू द पावर ऑफ इट्स कोफिशिएंट। वहीं पे अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा तो आपको पता चलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी और उसकी पावर क्या हो जाएगा स्मॉल बी। दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमें पता चलेगा रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी रेज टू द पावर ऑफ इट्स कोफिशिएंट जो ए और बी है, और इसे हम कहेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी, जो लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करता है। वहीं पर अगर मैं प्रोपोर्शन साइन को हटाऊंगा तो हमें पता चलेगा जब प्रोपोर्शन साइन यहां पे रिमूव होगा तो वी गेट अ कांस्टेंट जिसे कहते हैं के, और ये बन जाएगा ए की पावर ए और ये बन जाएगा बी की पावर बी। सो गाइस अगर मैंने क्या किया रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिख दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू के बन जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा ए की पावर ए के और ये बन जाएगा आपका बी की पावर बी के। सो ये हो गई जनरल इक्वेशन किसकी, रेट लॉ एक्सप्रेशन की इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर। सो गाइस यहां पे मैं एक चीज और कर सकता हूं कि जो आर है वो के है और ए और बी क्या यहां पे रिएक्टेंट है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और उनकी पावर यहां पे क्या हो जाएगी ए प्लस बी हो जाएगी गाइस। So, R is rate law expression, K यहाँ पे क्या है rate constant, जिसे हम specific rate constant भी कहते हैं, ये हमारे पास concentration of reactant, जिनकी power क्या है A और B है। So, guys, यहाँ पे जो A plus B आपको दिखाई दे रहा है इसे हम लोग कहते हैं N, और what is N, N यहाँ पे होता है order of reaction, order of reaction। तो यहाँ पे A plus B जो power का sum है वो किसके equal होगा order of reaction के। So, order of reaction क्या होता है sum of power ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक चीज मैं आपको और बोल देता हूं कि यहां पे जो मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हमेशा एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होकर निकलता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके इसे निकाला जाता है। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन का मतलब यहां पे क्या है गाइस, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन का मतलब यहां पे ये है कि जब आप यहां पे आएंगे, मैंने यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है तो इसका जरूरी मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे इसकी पावर भी 2 होगी, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे भी इसकी पावर 1 होगी। ये जो रिएक्शन मैंने आपको लिख के दी है ये रिएक्शन है एक थ्योरेटिकल रिएक्शन, तो यहाँ पे जो ऑर्डर निकलेगा वो हमेशा एक्सपेरिमेंटली निकाला जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो भी चीज थ्योरेटिकल लिखी जाती है ये थ्योरेटिकल चीज है, थ्योरेटिकल चीज हम एज इट इज लिख देते हैं जिसमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जो ऑर्डर है या फिर आप कह सकते हो जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है ये दोनों कैसे निकाले जाते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके निकाले जाते हैं, ना कि केमिकल रिएक्शन को देख के निकाले जाएंगे। तो सिंपल सा फंडा यहाँ पे ये है कि ये जो आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन दिख रहा है, रेट लॉ एक्सप्रेशन भी कैसे निकलता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके निकलता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके निकलेगा। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन का मतलब यहाँ पे ये है कि आप बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट करोगे, ऑब्जर्वेशन लोगे, देन जाके आपको ये ए और बी की वैल्यू और रेट लॉ एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको मिलेगी, ना कि आप केमिकल रिएक्शन को देख के उसकी वैल्यू लिख सकते हो। तो आपको दो चीज यहाँ पे याद रखनी है कि ए और बी जिसे हम एन कहते हैं वो क्या है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ एक्सप्रेशन हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके निकाले जाते हैं। एक चीज और बता देता हूं कि जब भी आप ऑर्डर को निकालोगे, ऑर्डर को निकालने का एक ही तरीका है, ऑर्डर तभी निकलेगा जब आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में पता होगा। सो कैसे निकलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक क्वेश्चन आ गया कि इन अ रिएक्शन, इन अ रिएक्शन आपको एक रिएक्शन दे दी, सपोज मानिए ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, और इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन दे दिया कि के है, ए की पावर यहां पर क्या है हाफ है, और बी की पावर यहां पर क्या है 3/2, बोला फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको बोला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने को, आप कैसे निकालेंगे, सिंपल है, वी नो दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां पे एन होता है, और वो क्या होता है सम ऑफ पावर होता है, सम ऑफ पावर यहां पे क्या है 1/2,
प्लस 3/2, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पे आपको ऑर्डर कितना मिल जाएगा 4/2, ये निकल जाएगा आपका सेकेंड ऑर्डर की ये क्या होगी रिएक्शन होगी, जो कैसे निकली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके निकली विद द हेल्प ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन के थ्रू। तो यहां से एक पॉइंट और चीज पता चलिए कि अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो फ्रैक्शन में भी है। सो ऑर्डर जो होता है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। होल नंबर पे तो हो गई, होल नंबर पे तो हो गई, होल नंबर मतलब जीरो हो सकता है, ऑर्डर वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, होल नंबर पे तो ऑर्डर हो गई, लेकिन याद रखिएगा फ्रैक्शन में भी ऑर्डर हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी ऑर्डर हो सकता है। सो फ्रैक्शन का मतलब यह है कि ऑर्डर आपका हाफ भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है। सो ऑर्डर ऑलवेज इन होल नंबर एज वेल एज फ्रैक्शन में भी हो सकता है। सो ये थे कुछ डेरिवेशन जिससे हम लोगों ने रेट का एक्सप्रेशन को क्या किया डिफाइन किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। सो गाइस ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें रिएक्शन बोली गई है कि जब मैंने ए को बी के साथ रिएक्ट कराया तो मुझे क्या मिला प्रोडक्ट मिला, जिसका रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको ये गिवन है। आपको क्या निकालना है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। सो आप जब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो मैंने आपको कहा था कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो तभी निकलेगा जब आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन मिलेगा। So, rate law expression आपके पास ये है तो आप कैसे निकालोगे, आप 1 को प्लस कर दोगे 2 से तो यहाँ पे ऑर्डर कितना निकल जाएगा इसका थर्ड ऑर्डर की ये रिएक्शन होगी। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं जिसे रिप्रेजेंट करते हैं ए से तो होता क्या ये सम ऑफ पावर होता है। तो सम ऑफ पावर मतलब हाफ प्लस जीरो। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ऑर्डर आपके यहाँ पे क्या है हाफ ऑर्डर की ये क्या रिएक्शन है। वहीं पर अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे बोला ए को रिएक्टेंट है, मैंने उसे बी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करा के सी और डी बनाया। So, rate law expression मुझे given है, तो अगर मुझे इसका order of reaction निकालना है, जिसे n कहते हैं, तो कैसे निकलेगा? इसकी power यहाँ पे 1 है, plus 1/2 आप करोगे, तो actual में ये कितना निकल जाएगा आपका 3/2 निकल जाएगा, तो 3/2 order of reaction है। So guys, आपको एक चीज always keep in mind रखनी है कि जो rate law expression होता है, वो experimentally determine करके निकाला जाता है, ना कि chemical reaction को देख के निकाला जाता है। तो जब भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे रेट लॉ एक्सप्रेशन से निकालोगे, कैसे बाय सम ऑफ इट्स पावर। तो पावर का सम कर दोगे आपको क्या मिलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बट याद रखना ऑर्डर जो होता है वो होल नंबर में तो हो सकता है लेकिन फ्रैक्शन में भी हो सकता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हेलो एवरीवन, दिस इज मनोज एंड आज के सेशन में वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेटेड रेट मेथड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो आज के सेशन में हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटेड रेट मेथड। इंटीग्रेटेड रेट मेथड का मतलब यहां पे ये है कि इंटीग्रेशन करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का और वहां से रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे विच इज रिप्रेजेंटेड एज के। सो हमें यहां पे सबसे पहले के निकालना है जीरो ऑर्डर का, तो कैसे निकालेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस डेरिवेशन गाइस आपको दो चीज के बारे में पता होना चाहिए। वो दो चीज क्या है, जिसमें से अगर मैं फर्स्ट चीज की बात करूं तो सपोज मानिए अगर आपके पास ए कोई रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट का आपने क्या बनाया प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, आपके पास ए कोई रिएक्टेंट था, इस रिएक्टेंट का आपने क्या बनाया प्रोडक्ट बनाया। सो सपोज मानिए जब टाइम आपका जीरो था, जब आपका टाइम जीरो था तो ए की कंसेंट्रेशन हम लोग मान लेते हैं 10 थी, तो उस समय प्रोडक्ट कितना रहा होगा प्रोडक्ट जीरो रहा होगा, क्योंकि जब टाइम जीरो है तो रिएक्शन हुई नहीं होगी, रिएक्शन हुई नहीं होगी क्योंकि प्रोडक्ट क्या होगा जीरो होगा। फिर मैंने कहा जैसे जैसे टाइम गया तो मैंने कहा जब टाइम हमारा क्या हुआ T1 हुआ, तो सपोज मानिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 2 हो गई तो रिएक्टेंट कितना बचा होगा 8 बचा होगा। फिर मैंने कहा जैसे जैसे टाइम T2 हुआ तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सपोज मानिए 4 हो गई, वहीं पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी बची होगी 6 बची होगी। तो यहां से आपको एक चीज पता चल रही है कि जैसे जैसे रिएक्शन होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटती है, वहीं पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है बढ़ती है। सो गाइस फर्स्ट थिंग यही है कि जब आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो तो जैसे जैसे टाइम इंटरवल चलता रहता है वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है बढ़ती है। सो अगर मैं यहां पे रिएक्टेंट का डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखता हूं, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन लिखता हूं, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन लिखता हूं, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं जानता हूं कैसे लिखूंगा, वी नो दैट रेट ऑफ रिएक्शन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं स्मॉल आर बोलते हैं। सो रेट ऑफ रिएक्शन या आप कैपिटल आर में से कह सकते हो, तो कैसे लिखेंगे हम इसको, हमें पता है ये इक्वल होगा माइनस के। माइनस क्यों किया, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है। लिखूंगा कैसे, कुछ इस तरीके से लिखूंगा कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ टाइम के साथ। सो मैंने ये कहा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटती है, तो अगर मैं इसका डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है और रिएक्टेंट है क्या ए है, तो डी ए बाई डी टी। इसे आपने याद रखना पड़ेगा गाइस, इसे कहते हैं इक्वेशन 1 आप मान लीजिए।
वहीं पे अगर मैं दूसरी चीज की बात करूं तो हमें पता है कि जब हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं तो रेट लॉ एक्सप्रेशन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, आर इज इक्वल टू के ए की पावर ए और बी की पावर क्या होती है, बी होती है। तो सपोज मानिए मेरे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी, ये कोई रिएक्टेंट है और मैंने इसे कन्वर्ट किया प्रोडक्ट में। तो जब मैंने ए और बी को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया तो अगर मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं फॉर जीरो ऑर्डर के लिए, तो फॉर जीरो ऑर्डर के लिए अगर मैं लिखता हूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर मैं इसे लिखूंगा तो आपको पता है जीरो ऑर्डर में जो पावर होगी ए और जो पावर होगी बी दोनों के दोनों यहां पे क्या रहेंगे, जीरो। तो अगर इस जनरल इक्वेशन को यहां से पकड़ के मैं यहां लेके आता हूं तो ये जो आर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, के, ये हो जाएगा हमारा ए की पावर जीरो और ये हो जाएगा हमारा बी की पावर जीरो। तो किसी भी चीज की पावर जीरो होती है तो वैल्यू क्या होती है, वन। तो यहां पे आर किसके इक्वल आ जाएगा, के इक्वल हो जाएगा, जिसे आपने याद रखना। तो ये बन जाएगा इक्वेशन टू। सो मैंने क्या बोला, सेकंड पार्ट में अगर आप देखोगे तो हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालना है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटेड रेट मेथड। तो आपको पता है कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है जनरल इक्वेशन उसकी के ए की पावर ए और बी की पावर बी होती है। और एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है वो हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके निकाला जाता है, ना कि केमिकल रिएक्शन को देख के निकाला जाता है। तो यहां पे बड़ा सिंपल है, अगर जीरो ऑर्डर हुआ तो इन दोनों का पावर क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। और पावर अगर जीरो होगा तो आर किसके इक्वल हो जाएगा, के इक्वल हो जाएगा। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है जब हम जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटेड रेट मेथड। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से इस डेरिवेशन को प्रोसीड हम लोग करेंगे। सो गाइस, सपोज मानिए मेरे पास ए को रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट को मैंने क्या बनाया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। सो व्हेन ए कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो आपको पता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटी होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ी होगी टाइम के साथ। सो अगर मैं यहां पे ए का डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखता हूं, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन अगर मैं इसका लिखता हूं तो आपको पता है हम कैसे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आर जो किसके इक्वल होगा, माइनस का डी ए बाई डी टी के क्या होगा, इक्वल होगा। इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन वन मान लेते हैं। अब आपको पता है कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूंगा जिसे हम लोग कहते हैं आर, तो कैसे लिखूंगा, आपको पता है जीरो ऑर्डर में यहां पे जो पावर की वैल्यू होगी एन की वैल्यू, एन यहां पे क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, जो किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी के इक्वल होगा। सो आप कैसे लिखोगे, सिंपल है, आर यहां पे क्या हो जाएगा, के, ए की पावर क्या होगा, ए। तो फॉर जीरो ऑर्डर के लिए ए यहां पे क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां पे आप आर इज इक्वल टू के ए की पावर क्या रख दीजिए, जीरो रख दीजिए। तो आपको पता है किसी भी चीज की पावर जीरो होगी तो वैल्यू वन होगी, तो यहां पे आर किसके इक्वल निकल जाएगा, के के, जिसे आप इक्वेशन टू मान लीजिए। सो अगर आप इक्वेशन वन को देखते हैं और इक्वेशन टू को देखते हैं तो यहाँ पे आर और आर तो सेम हो गए, इट मीन्स आपका ये जो होगा डी ए बाई डी टी वो किसके इक्वल निकल जाएगा, के को निकल जाएगा। तो सिंपल है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डी ए बाई डी टी जो किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा। सो यहाँ पे थोड़ी सी शिफ्टिंग कर लेते हैं, डी टी को ऊपर ले जा लेते हैं और माइनस को भी ऊपर भेज देते हैं। सो ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा डी ए इज इक्वल टू माइनस का के डी टी। सो गाइस, ये हमें मिल गया डिफरेंशिएट के फॉर्म में, डिफरेंशियल के फॉर्म में हमें मिल गया। सो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई हम इस टॉपिक को क्या कह रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट मेथड कह रहे हैं। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। और जब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे तो इंटीग्रेशन का ये सिंबल आ जाएगा जिसे हम लोग कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू मैं माइनस के। तो यहाँ पे कांस्टेंट होगा, दैट्स व्हाई हम लोग उसे क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट। और यही चीज आपको यहाँ पे निकालनी है। सो इंटीग्रेशन यहाँ पे किसका होगा, डी टी का। सो आप लोगों को पता है डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे के ऐसी रहेगा और डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं आपको पता है कॉन्स्टेंट आ जाता है, ठीक है। और इस इक्वेशन को हम यहाँ पे क्या मानेंगे, इक्वेशन एक्स मान लेंगे। अब आपको क्या करना है गाइस, लेट अस अज्यूम हम ये मानते हैं कि जब टाइम टी, जब हम टाइम क्या था, जीरो था, मैंने कहा इफ टाइम इज इक्वल टू जीरो, जब टाइम जीरो होगा तो आपको पता है कि जो आपकी फाइनल कंसंट्रेशन रही होगी वही आपकी क्या रही होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन रही होगी। सो इस वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन वन में, पुट इन इक्वेशन वन। तो जैसे इक्वेशन, नॉट इन इक्वेशन वन बल्कि एक्स में रखिए, इस इक्वेशन को एक्स में पुट कीजिए। तो जैसे ही एक्स में पुट करेंगे आपको यहां से मिलेगा सी, देखिए कैसे मिलेगा। सो फाइनल कंसंट्रेशन आपकी क्या बन जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन बन जाएगी, के ऐसी रहेगा, टाइम की जगह पे आपने जीरो डाल दिया, यहां से आपको कांस्टेंट मिल जाएगा। और कांस्टेंट आपको क्या मिलेगा गाइस, कांस्टेंट यहां पे आपको मिल जाएगा ए नॉट। अब आप बोलेंगे ए नॉट क्या, मैं बता देता हूं, ए नॉट यहां पे क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। और ए यहां पे क्या है, ए यहां पे है फाइनल कंसंट्रेशन। तो यहां पे हमने कंडीशन लगाई, मैंने कहा
कि देखिए जब हमारा टाइम जीरो होगा तो जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी वही इनिशियल कंसंट्रेशन होगी। सो इसकी वैल्यू को हमने इक्वेशन एक्स में रख दिया ताकि हमें इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू मिल जाए। सो यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन बन गया इनिशियल कंसंट्रेशन, टाइम की जगह पे जीरो रखा और हमें यहाँ पे क्या मिल गया, कॉन्स्टेंट मिल गया। और इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू आप दोबारा से इक्वेशन एक्स में रख दीजिए सी की जगह पे। सो पुट इन इक्वेशन एक्स, तो जैसे आप एक्स में रखेंगे देखो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू माइनस का केटी प्लस का यहाँ पे क्या मिलेगा इनिशियल कंसंट्रेशन। थोड़ी सी शिफ्टिंग करता हूँ, रेट कॉन्स्टेंट निकालते हैं, कैसे करेंगे, इसको इधर लेके आइए इसको उधर लेके जाइए, तो आपको पता चलेगा कि जो केटी है वो किसके इक्वल आ गया, वो आ गया इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन के इक्वल, जिसमें आपको के निकालना था, के कैसे निकालोगे, विच इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट। तो कुछ नहीं होगा, आपको इनिशियल कंसंट्रेशन में से फाइनल कंसंट्रेशन माइनस करना है और अपना में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। सो गाइस ये जो इक्वेशन यहाँ पे बनी, ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन रेट कॉन्स्टेंट की है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, जब हमने क्या लगाया इंटीग्रेटेड रेट मेथड लगाया। सो बड़ा सिंपल सा था, आपको कुछ नहीं करना, आपको दो इक्वेशन को पकड़ना है, एक डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन को और एक पढ़ना है रेट का एक्सप्रेशन को, दोनों आर 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 सेम हो गए, दोनों इक्वेट हो जाएंगे, जैसे ही इक्वेट होंगे आपको इंटीग्रेशन करना है, यू गेट अ फाइनल कंसंट्रेशन केटी प्लस कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट निकालने के लिए कंडीशन ये है कि जब आप टाइम जीरो होगा तो जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी वो इनिशियल के बराबर होगी। अब आप इक्वेशन में रखेंगे तो सी मिल जाएगा और इस सी की वैल्यू अगर आप इस सी की जगह पे रख देंगे तो यहां से आप फाइंड आउट करेंगे के की वैल्यू विच इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वहीं पर मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि ये जो चीज यहाँ पे बनी, ये जो चीज आपको यहाँ पे बनते हुए देखी है, इस चीज को हम एक नाम और कहते हैं, इस चीज को हम लोग यहाँ पे कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी इसे कहा जाता है। सो गाइस ये था जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट जो हमने किसके थ्रू निकाला, इंटीग्रेटेड रेट मेथड के थ्रू लगाया। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं और इसका हाफ लाइफ पीरियड देखते हैं। सो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। सो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जब हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इंटू प्रोडक्ट, मतलब आप ये कहोगे जब 50% रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड होते कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे, मैंने कहा हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, when half of the reactant converted into product। तो जब आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा सो उस पीरियड को हम लोग यहां पे क्या कहेंगे, हाफ लाइफ पीरियड। इसीलिए हाफ लाइफ पीरियड में हमारा जो टाइम होता है वो टी नहीं होता बल्कि वो क्या होता है, टी हाफ होता है, या फिर आप इसे कहोगे टी 50% होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, जब आपका आधा रिएक्टेंट 50% ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इंटू प्रोडक्ट तो उस केस में जो आपका टाइम होगा वो टी नहीं होगा बल्कि वो हाफ लाइफ पीरियड बन जाएगा, मतलब टी हाफ बन जाएगा या फिर आप कह सकते हो टी 50% बन जाएगा। और हाफ लाइफ पीरियड में याद रखिएगा जो आपकी फाइनल कंसेंट्रेशन होती है, फाइनल कंसेंट्रेशन वो इनिशियल की क्या हो जाएगी, इनिशियल की वो हो जाएगी आधी। तो यहाँ पे फाइनल कंसेंट्रेशन जो होती है वो आधी हो जाती है इनिशियल की। इस टाइम पीरियड को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से या फिर टी 50% से। तो कैसे निकालेंगे हम इसे, बड़ा सिंपल है। देखिए आपने जो अभी के निकाला, जो रेट कॉन्स्टेंट निकाला जीरो ऑर्डर में, वो क्या निकाला था, कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। सो आप कुछ मत कीजिए, आप इस टाइम को ऊपर लेके आइए और के को नीचे लेके जाइए, तो टाइम क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन में क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। अब कंडीशन लगा दीजिए फॉर हाफ लाइफ पीरियड, फॉर हाफ लाइफ पीरियड, तो हाफ लाइफ पीरियड के लिए आपको पता है कि जो आपका टाइम है वो बन जाएगा आपका टी हाफ, और उस समय आपकी जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी वो इनिशियल की क्या हो जाएगी, वो इनिशियल की आधी हो जाएगी। सो रख दीजिए इस इक्वेशन में, तो ये टाइम आपका क्या बन जाएगा, टाइम आपका बन जाएगा हाफ इज इक्वल टू, ये है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल की जगह पर रख दीजिए इनिशियल बाय टू अपॉन में क्या आ जाएगा, के। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी कि जो टी हाफ है वो किसके इक्वल आ जाएगा, आप देखेंगे कि वो आएगा इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन के इक्वल। सो ये है आपका हाफ लाइफ पीरियड किसके लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और इस रिएक्शन से आपको एक चीज पता चल रही है कि आर तो कांस्टेंट होता है, सो आपका जो यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हाफ लाइफ पीरियड जो होता है वो डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे।
सो ये था हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। गाइस आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और इसके ग्राफ को समझते हैं। सो गाइस अगर मैं बात करता हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जीरो ऑर्डर का कैसे बनेगा? एक चीज आपको याद रखना है कि जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो आप जनरल इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, जो होता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो जब भी आप कोई ग्राफ बनाएंगे उसे हमेशा आपको कंपेयर करना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, विच इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। गाइस जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमें यह पता है कि जो रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू आती है वो आती है इनिशियल कंसेंट्रेशन माइनस फाइनल कंसेंट्रेशन अपॉन विद टाइम। सो अगर मुझे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है और इसे कंपेयर करना पड़ेगा मुझे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, तो कहीं ना कहीं मुझे इस फॉर्मूले को इसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। सो कैसे बनाएंगे? बड़ा सिंपल है, टी को इधर ले आइए तो ये बन जाएगा आपका के टी इज इक्वल टू में क्या आएगा इनिशियल कंसेंट्रेशन माइनस फाइनल कंसेंट्रेशन। तो थोड़ी सी शिफ्टिंग करते हैं, फाइनल कंसेंट्रेशन यहां आ जाएगा, के टी को इधर भेज दीजिए। तो ये बन जाएगा आपका फाइनल कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू में इनिशियल कंसेंट्रेशन माइनस के टी। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन जिसे हम कंपेयर करेंगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, जो होती है y इज इक्वल टू c प्लस mx। mx प्लस c बोले या फिर c प्लस mx बोले बात बराबर है। तो यहां से आपको एक चीज पता चलेगी कि y एक्सिस पे, y एक्सिस पे आपका क्या होगा फाइनल कंसेंट्रेशन होगा, x एक्सिस में आपका होगा टाइम, इंटरसेप्ट आपका क्या होगा इनिशियल कंसेंट्रेशन होगा, और जो स्लोप है स्लोप वो आपका होगा माइनस का k। तो ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस में, ठीक है, ये आपका बनेगा एक्स एक्सिस में, ये आपका हो गया स्लोप और ये आपका बनेगा इंटरसेप्ट। सो कैसे बनाएंगे हम लोग इसका ग्राफ? तो बड़ा सिंपल है, ये रहा हमारा ग्राफ जिसमें वाई एक्सिस में आपको पता है क्या होना चाहिए फाइनल कंसेंट्रेशन, और एक्स एक्सिस में आपके पास क्या होना चाहिए टाइम होना चाहिए। सो अगर आप देखेंगे स्लोप जो है वो माइनस में है, स्लोप अगर माइनस में है तो आपको पता है ग्राफ कैसे जाएगा डाउनफॉल पे जाएगा, जिसमें हमारा जो स्लोप है स्लोप जिसे हम लोग एम कह रहे हैं वो किसके इक्वल होगा माइनस के इक्वल होगा। वहीं पर अगर मैं इंटरसेप्ट की बात करूं तो इंटरसेप्ट ये डिस्टेंस होती है, तो ये किसके इक्वल होगी ए नॉट के बराबर होगी। सो गाइस ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें हम अपने फॉर्मूले को इस अकॉर्डिंग बनाएंगे कि हम उसे कंपेयर कर सके स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, और ग्राफ कैसे गया यहाँ पे डाउनफॉल पे गया। सो आई होप आपको ये पूरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो हमने इंटीग्रेटेड रेट मेथड किया अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर